विभिन्न गांवों में भ्रमण करने के बाद हम लोग शाहपुर पुल क्रॉस करके पुरवा थाना क्षेत्र के इस पुल के किनारे ये जो जगह है जगदीशपुर धुरिया पुल, जगदीशपुर धुरियापार पुल के पास हम लोग खड़े हैं। जब मैं अपने एबीपीएस टीम के साथ पुल क्रॉस किया तो हमको बैरिकेटिंग दिखाई दी। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ उस बैरिकेटिंग को दिखाएं, और हमने देखा कि यहाँ तमाम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग कायम करके बैठे हुए थे। और मेरी नज़र यहाँ पे बैठे हुए जो एसओ साहब हैं दिनेश कुमार जी, इन पे पड़ी, तो मैं अपने गाड़ी को रोका। मेरे मन में उत्सुकता हुई कि ये भीड़ इस समय किस लिए लगी हुई है, यहाँ क्यों लोग बैठे हैं। और शेष जानकारी जो मैं जानना चाहता हूँ एसओ महोदय से जानना चाहता हूँ, सर ये अपना पद और नाम बताएं। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार, उरवा बाजार। सर जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आपके सामने लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं और बैठे हुए हैं, तो ये मीटिंग विशेष करके किस लिए बुलाई गई है? हमारी मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं बनी रहे। धर्म गुरु लोगों को भी बुलाया गया है ताकि व्यवस्था हमारी अच्छी चले। जैसे धर्म गुरु की बात आपने कहा, तो यहाँ तो खास करके दो ही धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। हाँ। तो जो हमारे नमाजी हैं, मस्जिद में रहने वाले, नमाज कराने वाले हैं, वो तो यहाँ कितने प्रतिशत आबादी है लोगों की? 15% के आसपास इन लोग जो मीटिंग में आप बता रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? इन लोगों को यह दिया जा रहा है कि कहीं मंदिर और मस्जिद में न निवाज हो, न मंदिर में पूजा पाठ हो, जिससे दूरियां बनी रहे ताकि ये महामारी से बचा जा सके। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि पुल पे आपकी बैरिकेटिंग की गई है, ये दो थानों को जोड़ती है, अगर बेलघाट है आपका, ये उरवा थाना है। आप किन प्रकार के गाड़ियों को चिन्हित करके रास्ते से हटाने की कोशिश करें, और किन गाड़ियों को विशेष रूप से छूट प्रदान कर रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ जैसे ये पत्रकार बंधु हैं, चाहे दवा लेने वाले हों, जो बीमार हों, इन गाड़ियों को हम लोग पास दिए हुए हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। और अन्य गाड़ी जो घूमते हैं लोग बेमतलब का, उन्हीं को रोका जाता है और चालान वगैरह भी किया जाता है। सर जैसे मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी तक गाड़ियों को चालान करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था मुख्य आयुक्त अवस्थी द्वारा, तो उसमें कितने गाड़ियों का चालान अभी तक आपने कर पाया? अरे हमने एक पहले दिन तो मैंने 1.5 लाख का किया था ई चालान। क्यों, कौन सी गाड़ी थी? ये 4-व्हीलर 2-व्हीलर। अच्छा, कुल गाड़ियों की संख्या मिला करके आपने 1.5 लाख किया था। हाँ। इस समय लॉकआउट जो पोजिशन चल रही है, लोगों में किस प्रकार से आप ये संदेश देना दे रहे हैं? ये हम संदेश दे रहे हैं कि माने महामारियों से बचें, आप लोग अपने अपने घरों में रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं बाज़ारों में। हम लोग ने व्यवस्था बनाया है शासन के आदेश के अनुसार कि जो भी मार्केटिंग होम डिलीवरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे सब्जी हो चाहे राशन हो, सब लोग होम डिलीवरी करें। ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ क्या होम डिलीवरी सफल हो पा रही है? हाँ, सफल हो पा रही है, गांव-गांव पहुँचा रहे हैं लोग, हमसे भी बता रहे हैं, हम जाकर देख भी रहे हैं। और जितने भी कोरोना वायरस से संबंधित बम्बई और दिल्ली से आए हुए हैं लोग, उनको सरकार द्वारा व्यवस्था स्कूलों में बनाया गया है, वहाँ पर रह रहे हैं लोग, उनको प्रधान जी द्वारा व्यवस्था की गई है, भोजन वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। सर जैसे कि बताया जा रहा है कि लोग जो क्वारंटाइन हो रहे हैं प्राइमरी विद्यालयों में, वो प्रायः भाग जाते हैं। अभी कुछ गाँवों से हमारे संवाद सूत्र ने बताया कि प्रधान साहब मारपीट हुई है और वहाँ से लोग भाग गए हैं, तो आप क्या क्या इससे कुछ नहीं? हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमने जो अधिकारियों के आदेश निर्देश पर हमने 2 चौकीदारों को लगा रखा है 12-12 घंटा के लिए, अपने स्कूलों में जहाँ पर क्वारंटाइन किए गए हैं लोग, वहाँ पर लगा दिया। जैसे कोई भागता है मुझे सूचना देगा, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। तो हमारे साथ एबीपीएस खबर में ये दिनेश कुमार जी थे, इनकी बहुत ही अच्छी पहल कहा जाएगा कि जो धर्म गुरु हैं वो एक समाज की धुरी के रूप में काम करते हैं, समाज में एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। और आज यह जो हम प्रैक्टिकल या कह लीजिए देख रहा हूँ, इस प्रकार से सभी चौकी इंचार्जों से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रयोगात्मक को करें, और प्रयोग करने से ही कोई एक हल निकल सकता है। विज्ञान आओ करके सीखें, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उस क्रम में मैं देख पा रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें। आज दिनेश कुमार जी एक नज़ीर पेश कर रहे हैं इस सड़क पर बैठ करके, और धर्म गुरुओं को बुला करके
लोगों में जागरूकता भी करा रहे हैं कि कोरोना से किस प्रकार बचाव हो सकता है, और जो इमाम हैं मस्जिदों के या मंदिरों के, उनसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लॉकआउट का पूर्ण से पालन करें और अपने मंदिर और मस्जिदों में अजान और पूजा न करने दें, भीड़ इकट्ठा न होने दें और लॉकआउट को सफल बनाने का प्रयास करें। इसके लिए मैं उरुआ थाना अध्यक्ष महोदय को कोर्ट्स एपीएस के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इस कोरोना महामारी के संकट में सभी धर्मगुरु अपने अपने जो धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए एक संदेश लेकर के निकल रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वही यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है। हमारे दाहिने तरफ आईमा के जो सदर आईमा के अध्यक्ष हैं, आप अपना नाम बताएं सर, मोहम्मद साजिद खान जी हैं, और मेरे बाएं तरफ क्या नाम सर हरिहराम त्रिपाठी जी हैं जो जोशाचार्य हैं। और चूंकि मैं इन लोगों को आपस में एक साथ खड़ा नहीं कर सकता हूं, लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, और ये बहुत ही अच्छा है कि आईमा के जो ये अध्यक्ष महोदय हैं वो इस जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उस वो उनकी बातों को मानेगा। और जैसा बताऊं केशव साहब हमारे मैं आगे खड़ा था, हमारे पीछे हैं संजोग से, तो ये अपने एक तरफ इनको बैठा है और एक तरफ इनको बैठा है, तो अपनी बातों को और दमदारी के साथ इन लोगों के माध्यम से जो जनता है उरुआ क्षेत्र में निवास करने वाली उनके सामने अपनी बातों को इनके माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे एक संदेश वाहक के रूप में आप जा करके जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं आईमा की तरफ से कर सकते हैं, और जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं ज्योतिष से गणना करते हैं नौ ग्रहों की क्या चाल होती है, उस चाल का आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आगामी मौसम इत्यादि की क्या जानकारी होगी, उसके साथ साथ जो इनके यहाँ अगर किसी कारण से आ रहा हो या जो इनको मानने वाले हों, सोशल मीडिया का प्रयोग करके दोनों लोग अपने में एक दूसरे के जो समाज के प्रतिबिंब के रूप में देखे जाते हैं वो अपने जो संदेश है वो विभिन्न सोशल जो सूचना संचार तंत्र है उसके माध्यम से समाज को एक सुखद संदेश देंगे, ऐसा मैं इनसे आशा करता हूँ।